दोस्तों, भारतीय पुलिस सेवा देश के कई नौजवानों का सपना होता है। कई लोग यूपीएससी की प्रायोरिटी में इसे सबसे पहले नंबर पर रखते हैं। इस सेवा में काम करने का रुतबा ही अलग होता है। किसी भी देश में एक पुलिस अधिकारी का काम शायद सबसे मुश्किल भी होता है। अभी कोविड-19 महामारी के समय में भी देश की कानून व्यवस्था बनाए रखने से लेकर लोगों को समुचित संसाधन पहुँचाने तक की जो जिम्मेदारी है वो पुलिस के कंधों पर ही थी। इसके अलावा त्योहार के समय या फिर चुनाव के समय, किसी आपदा के समय या कहीं कोई अपराध हो तो सबसे पहले पुलिस अधिकारियों को ही याद किया जाता है। दरअसल इस सेवा में पद के साथ जो पावर और अथॉरिटी मिलती है वो युवाओं में इसके बढ़ते क्रेज का कारण है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से टाइम और एक्सपीरियंस के साथ एक आईपीएस का प्रमोशन होता है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको मिलती हैं सभी कंपेटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफ़ी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज और सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं, और इसके लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है आईपीएस का प्रमोशन किस पद पर होता है। तो एक आईपीएस बनने के लिए सबसे पहले तो आपको यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा को पास करना पड़ेगा। यूपीएससी परीक्षा में अच्छी रैंक पाने वालों को आईपीएस बनने का मौका मिलता है। तो आमतौर पर देखा गया है कि टॉप 250 रैंक वालों का चयन आईपीएस अधिकारी के पद पर होता है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में शुरुआती प्रशिक्षण के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकादमी हैदराबाद में चयनित लोगों की 15 सप्ताह की ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद इन्हें अपने रिस्पेक्टिव स्टेट कार्डन में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनाकर प्रोबेशन पर भेज दिया जाता है। तो प्रोबेशन का समय 5 वर्षों का होता है, जिसके बाद इन्हें सीनियर टाइम स्केल दिया जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले ये समझना आवश्यक है कि आईपीएस के पोस्ट को जिला और कमिश्नरी के आधार पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, हालांकि रैंक में कोई फर्क नहीं होता है। तो प्रोबेशन के समाप्त होने के बाद एक आईपीएस अधिकारी को जिले में एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमिश्नरी में एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस का पद दिया जाता है। तो इस पद पर कुछ वर्षों तक काम करने और कम से कम 9 वर्षों का कार्यकारी अनुभव प्राप्त कर लेने के बाद इन्हें इस ग्रेड के अधिकारी को जिले में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि एसपी और कमिश्नरी में डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी डीसीपी कहा जाता है। 13 वर्षों का वर्किंग एक्सपीरियंस हो जाने के बाद इनका प्रमोशन सिलेक्शन कार्डर में किया जाता है। इस रैंक के अधिकारी को जिले में सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि एसएसपी कहा जाता है, जबकि कमिश्नरी में इस पोस्ट को एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस कहा जाता है। 15 वर्षों तक काम करने के बाद एक आईपीएस ऑफिसर को सुपर टाइम स्केल में प्रमोट किया जाता है। इस ग्रेड के अधिकारी को राज्यों में डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी डीआईजी कहा जाता है। यदि कोई अधिकारी किसी कमिश्नरी में इस ग्रेड पर कार्यरत हो तो उसे कमिश्नर कहा जाता है। 18 वर्षों की सेवा के बाद एक आईपीएस अधिकारी को सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड यानी कि एसएजी दिया जाता है, और इस मुकाम पर पहुंचने के बाद वो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि आईजी बन जाता है। 25 वर्षों की संतोषजनक सेवा के बाद वो हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड का हकदार हो जाता है, और इस ग्रेड में आने के बाद आईपीएस अधिकारी को एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का पद दिया जाता है। तो आमतौर पर इस पद तक पहुंचते और इस पद पर आवश्यक सेवा देने के बाद एक आईपीएस अधिकारी का करियर खत्म होने लगता है, लेकिन यदि किसी की नौकरी 30 वर्षों की सेवा के बाद भी बची रहती है तो उन्हें एपेक्स स्केल दिया जाता है, और वो राज्यों के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि डीजी बनते हैं। दोस्तों, पुलिस सेवा के अतिरिक्त और भी कई विभाग हैं जहां आईपीएस अधिकारियों की सेवा ली जाती है। आईपीएस अधिकारियों को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ में डीआईजी, आईजी, एडीजी, स्पेशल डीजी और डीजी भी बनाया जाता है। देश में अनुसंधान यानी कि इन्वेस्टिगेशन और जांच से जुड़ी जो एजेंसियां हैं जैसे कि सीबीआई, एनआईए, आईबी, एनसीआरबी इत्यादि में भी काम करने को कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त कभी कभी इन्हें केंद्रीय मंत्रालयों में जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर भी बहाल किया जा सकता है। एक आईपीएस की प्रमोशन को टाइम और स्केल के संदर्भ में आप इस टेबल की मदद से समझ सकते हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं।
तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर कर लें। और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल हैं, सजेशंस हैं, आप कुछ हमसे शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।